हेलो दोस्तों दोस्तों जेके एसएसबी ने जम्मू जॉटिंग जो कि एक जम्मू बेस्ड न्यूज़पेपर है उस पे केस किया था और इस केस से रिलेटेड कोर्ट ने जम्मू जॉटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित मेहरा के ऊपर जो है नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किया है और ये कहा है कि जो एमडी है उनको 22 अगस्त तक किसी भी हाल में अरेस्ट किया जाए। ये न्यूज़ आ रही है दोस्तों। दरअसल ये जो न्यूज़ है इसमें लिखा गया है कि जेके एसएसबी ने जम्मू जॉटिंग के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया था एक न्यूज़ के ऊपर जो कि जम्मू जॉटिंग ने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश की थी। जम्मू जॉटिंग ने ये कहा था कि उस न्यूज़ के मुताबिक जेके एसएसबी का कोई पेपर जो है वो लीक हुआ है और इसके ऊपर जेके एसएसबी ने केस किया जम्मू जॉटिंग के ऊपर कि आपने जो ये न्यूज़ चलाई है इसके लिए आपके पास कौन से सबूत हैं या कौन सी आपने इन्वेस्टिगेशन की है, आपके पास क्या इन्वेस्टिगेशन है, आपके पास क्या सबूत हैं कि जो पेपर है वो लीक हुआ था। तो इस सिलसिले में कई बार जम्मू जॉटिंग को नोटिस भी भेजी गई कि आप जो है इसके बारे में अपनी सफाई दीजिए, लेकिन जम्मू जॉटिंग जो है वो 3 बार इसको नोटिस भेजी गई है, जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 3 बार उसको नोटिस भेजी गई लेकिन जम्मू जॉटिंग जो है वो हाजिर नहीं हुआ इस एलिगेशन के ऊपर। जब 3 बार जम्मू जॉटिंग को नोटिस भेजी गई और उसके बावजूद भी वो हाजिर नहीं हुए तो उसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ एक नॉन अवेलेबल वारंट जो है इशू किया है और इसमें कहा गया है कि जो एमडी हैं जम्मू जॉटिंग के उनको अरेस्ट किया जाए। दोस्तों जेके एसएसबी ने अपनी रिटन कंप्लेंट में कहा है ये जो न्यूज़ चलाई गई है इसका मकसद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो इमेज है जो उसकी साख्त है उसको बदनाम करना है, उसके खिलाफ ये एक साजिश है। तो न्यूज़ में आगे लिखा गया है कि जम्मू जॉटिंग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक न्यूज़ डाली थी अपने न्यूज़पेपर में जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो है पेपर लीक के सिलसिले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो इसके ऊपर जेके एसएसबी ने लिखा है कि ये जो न्यूज़ चलाई गई है न्यूज़पेपर में तो न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है ना ही कोई रिसर्च की है अपनी न्यूज़ के ऊपर जो उन्होंने पब्लिश की है। तो ये जेके एसएसबी ने कहा है कि बिल्कुल बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी मालूमात के, बिना किसी रिसर्च के इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया और इस तरह की न्यूज़ से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, बच्चों में खौफ या बाकी तरह की जो एंजाइटी है वो इससे पैदा होती है। दोस्तों अगर आप इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं जो कि जीएनएस की तरफ से आई है तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मजीद आपकी क्या राय है आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर शेयर करें। तो दोस्तों ये थी जेके एसएसबी और जम्मू जॉटिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।